सीबीएसई एफिलेटेड केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट, पहली से बारहवीं तक का दाखिला शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। 9216504779 केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं मैंडर न्यूज डायरी और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आपको अवेयर करेगी। जी हां, मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरीके से लगातार आप लोगों की डिमांड थी कि मैंडर में जो पैसेंजर गाड़ियां चलती हैं वो ड्राइवर क्या करते हैं कि मनचाहा किराया वसूलते हैं, भारी तादाद में वो सवारियां भी जो है वो गाड़ी में बैठाते हैं। इस पूरे विषय को लेकर हमने एआरटीओ पुंछ से बात की और काफ़ी लोगों की डिमांड भी थी और कहीं ना कहीं ड्राइवरों ने भी ये कहा था कि अगर हम मनचाहा किराया वसूलते हैं तो एक रेट लिस्ट जो है वो मुकर्रर की जाए, फेयर रेट लिस्ट। तो उसको आखिर एआरटीओ पुंछ ने जो है वो फेयर लिस्ट वो निकाल दी है और आपको बता दें कि उस पर प्रॉपरली तरीके से जो पूरा किराया है वो लिख दिया गया है कि गाड़ी की बुकिंग जो होगी उनके क्या रेट्स रहेंगे। और साथ में एक चीज और उन्होंने वाजिया की है कि गाड़ी के अंदर सिर्फ 7 पैसेंजर अलो होंगे। जो छोटी गाड़ी चलती हैं वो चाहे मैंडर से किसी भी रूट पर चलती हो, सलवा, मनकोट, बालाकोट, उसके बाद गानी, सागरा, जगाल, छतराल, पठाना तीर, यानी मैंडर के जितने भी अड़ी, हरनी, बुरसाई, जितने भी एरिया है वहां पर जो जिस रूट पर ये जो गाड़ियां चलती हैं, एक गाड़ी में जो है वो 7 जो टाटा सुमो है उसमें 7 लोग जो है वो अलो होंगे और उनका किराया जो है वो मुकर्रर किया गया है कि कितना किराया होना चाहिए। तो इसके बीच में जो है वो काफ़ी समय से लोगों की डिमांड थी और एआरटीओ पुंछ ने खुद मैंडर दौरा करके इस चीज़ की जानकारी दी है कि किराए जो किराए को लेकर इशू लगातार मैंडर से उठ रहा था और काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स भी जो है वो कंप्लेंट की गई हैं एआरटीओ पुंछ को, और उसे मद्देनज़र रखते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दिशा निर्देश अनुसार एआरटीओ पुंछ ने वो फेयर लिस्ट जो है वो पूरी निकाली है। अब सवाल ये है कि इस पर कौन लोग अमल करेंगे, जहां पर साफ तौर पर एआरटीओ का कहना है कि ये जो लिस्ट है किराए को लेकर ये हर एक टाटा सोमो या हर एक पैसेंजर गाड़ी के अंदर लगी होनी चाहिए। और उसके बाद बाकी की जो उन्होंने बात कही है कि ये जो लिस्ट बनाई गई है इसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को किराया देना है। अब इसमें देखना यह है कि क्या इस पर कितना अमल जो है वो ड्राइवर करते हैं और कितना अमल जनता करती है। इस पूरी चर्चा को लेकर हम सीधा एआरटीओ पुंछ के पास चलेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि पूरी डिटेल में कि किस तरीके की जो है उन्होंने वो फेयर लिस्ट निकाली है और लोगों को किराया जो है वो किस हिसाब से देना है और कितने पैसेंजर जो है वो अलाउड हैं। हमारे साथ जो है इस समय सीधा जुड़ चुके हैं एआरटीओ पुंछ, आइए इनसे जानते हैं। एआरटीओ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मैंडर न्यूज डायरी पर। जी आरटीओ साहब, काफी देर से लोगों की ये डिमांड थी कि कहीं ना कहीं जो है वो उनसे किराया जो है वो ज्यादा वसूला जाता है और काफी लोगों की यह भी कंप्लेंट थी कि ओवरलोडिंग भी की जाती है। जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि अभी फाइनली जो है आपने क्या डिसीजन लिया है और क्या रेट लिस्ट क्या निकाली है। देखो, हमारे यहाँ पे ओवरचार्जिंग का बहुत बड़ा इशू था, ये कंप्लेंट्स हमने रिसीव की थी काफ़ी पिछले एक दो महीने से, मेरे पास कंप्लेंट्स आई थी पुंछ में कि हमें ओवरचार्जिंग यहाँ पे पब्लिक को, जनरल पब्लिक को हो रही है। तो हमने ये पेंडिंग इसलिए रखा, ये मैटर रिजॉल्व नहीं हो सका क्योंकि रेट्स रिवाइज होने थे। तो अभी रिसेंटली 19th of March को रिवाइज रेट्स आ गए हैं, जो ट्रांसपोर्ट कमीशन साहब का ऑर्डर भी आ गया उसके अकॉर्डिंग रेट्स आ चुके हैं। तो मैंने उसी रेट्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं रिवाइज रेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो किराया बना के यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स को, ड्राइवर्स को, जनरल पब्लिक को भी, और रास्ते में आते हुए मैंने जो मुझे जो भी गाड़ी मिली है मैंने उनको खड़ा करके मैंने उनको भी ये अवेयर कर दिया है कि अब कितना किराया बन रहा है और उन्होंने कितना किराया देना है। आटो साहब, ये भी बताएं कि जिस तरह से आपने साफ तौर पर कहा कि 7 पैसेंजर जो है वो अलो होंगे, तो अगर 7 से ज्यादा अगर कोई बिठाता है सवारियां या ओवरलोड करता है या ओवरलोड करता पाया गया है या आपके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है या कोई आपको कंप्लेंट करता है या मैंडर में जितनी अथॉरिटी है उनको अगर कोई कंप्लेंट करता है तो उस पर क्या लीगल एक्शन। देखो, मैं ड्राइवर, आपके माध्यम से ड्राइवर्स को यही कहूंगा
कि वो ओवरलोडिंग बिल्कुल ना करें, रैश ड्राइविंग बिल्कुल ना करें, और अपना मोबाइल गाड़ी चलाते हुए मोबाइल मत यूज़ करें, म्यूज़िक सिस्टम को यूज़ मत करें, और मुझे अगर किसी भी ऑफेंस के रिलेटेड कोई कंप्लेन आएगी और मुझे चेकिंग पे पाया जाएगा, मैं अंडर मोटर व्हीकल एक्ट जो भी सिवियर एक्ट के तहत उनको पेनलाइज करूँगा। मेरी जनरल पब्लिक से यही मैसेज है कि आप जनरल पब्लिक हमारे साथ कोऑपरेट करें, किराए के लिए सारी पब्लिक हो चुकी हैं, जो किराया बन रहा है वो किराया उतना ही किराया दें, अगर कोई ओवरचार्जिंग करता है तो उनकी कंप्लेंट्स आप मैंडर में भी अथॉरिटीज़ हैं, मैं पुंछ में हूँ, हमें कंप्लेन करें, हम उनकी मैटर्स को रिजॉल्व करेंगे, कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ना जो भी गाड़ी होती है, जैसे टाटा सुमो 7 सीटर है, जो भी ये सुमो हमारे पास मैक्सिमम सुमो चलती है 7 सीटर है, और ये एक चीज़ और है कि जितनी सीट उसमें जो भी गाड़ी है उसके परमिट पे या फिटनेस पे लिखा होता है कितनी सीट पास है, अगर सुमो है तो वो 7 से ज़्यादा मत बैठें लोग, अगर उनको जल्दी है तो मैं ये कहूँगा कि वो उतना ही टाइम लेके घर से निकले ताकि वो रास्ते में जल्दी ना करें, ओवरलोड सवारी पे नहीं बैठें, जो दूसरी गाड़ी नंबर में लगी होगी खाली होगी उसमें बैठें। तो ये जो है इसमें ओवरलोडिंग जो कंट्रोल करनी है, इसमें एजेंसीज का तो रोल है, वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी के लिए उतरेंगे, वो आगे चेकिंग करेंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी जनरल पब्लिक की है कि वो ओवरलोडेड गाड़ी में नहीं बैठें, अवॉइड करें बैठना, जो खाली गाड़ी आएगी उसी में बैठ के जब गाड़ी साथ पूरी हो जाएंगी सवारियाँ उसके बाद वो उसमें बैठना बंद कर दें ताकि ड्राइवर लेके गाड़ी निकले। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ ARTO पुंछ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से जो है जनता को भी अवेयर रहना चाहिए, और जितने भी ड्राइवर लोग हैं उनको साफ तौर पर इनका मैसेज है कि ओवरलोडिंग ना करें, आपका जो किराया बनता है वो पैसेंजर से लें। और साथ में हमने इस बात को लेकर जो है टाटा सुमो यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं कफील खान, उनसे भी बात की है। आइए ज़रा सुनते हैं कफील खान का क्या कहना है। जी देखिए, इतने लंबे अरसे से आपको पता है कि ये एक किराए का बहुत बड़ा एक इशू था, आज वो इशू जो है वो सॉल्व हुआ। हम सबसे पहले आपके माध्यम से ARTO साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने आज मेंडर में आके हमारे ड्राइवरों को एक मीडिया के सामने जो है अपना जो है यकीन दिलाया, और उन्होंने अवेयर किया कि जो मैंने रेट लिस्ट निकाली है इसी के मुताबिक जो है आपने अपनी आवाम से किराया वसूल करना है। किलोमीटर के हिसाब से जो लिस्ट है वो भी है, और दूसरी जो लिस्ट है रूट वाइज की लिस्ट जो है वो भी मौजूदा हालत में हमारे पास है। हमने अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी गाड़ी जो है, जैसे ARTO साहब ने बताया है, यहाँ से गाड़ी जो पहुँच जाएगी पासिंग करवाने के लिए, उसके अंदर अगर रेड लिस्ट नहीं लगी होगी तो वो गाड़ी जो है ऊपर गवर्नमेंट का आर्डर है कि वो गाड़ी पास नहीं होगी, और हर गाड़ी के बीच में ये गाड़ी रेड लिस्ट जो है ये होनी चाहिए लगी हुई, ताकि हमारे जो पैसेंजर भाई बैठते हैं वो इस चीज़ पर यकीन आ जाए उनको कि ये रेड लिस्ट के मुताबिक जो है वो किराया अपना दे के उतरे नीचे। देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से यही ट्रांसपोर्टर भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कोई यहाँ से गलत वायलेशन करता है, अगर कोई ओवरलोडिंग करता है, तो वो उसका ज़िम्मेदार जो होगा वो हमारा ड्राइवर खुद होगा। अगर कोई 7 सवारियाँ हमारी पास हैं, 7 सवारियों से ऊपर अगर 10 सवारियाँ गाड़ी में बैठती हैं, तो 10 में से अगर 11वीं सवारी बैठती है तो उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम एडमिनिस्ट्रेशन के इससे पहले भी हम ये कहते आए हैं और इसके बाद भी हम कहते हैं कि सख्त से सख्त उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और मेरा एक मैसेज जो है आपके माध्यम से और है कि मैं अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने किसी पैसेंजर के साथ जो सफ़र करता है उसके साथ बदतमीज़ी करना जो है ये अच्छी बात नहीं होती है, पूरे समाज की बेइज्जती होती है। आप उनके साथ अच्छे सलूक से पेश आएँ, अच्छे तरीके से पेश आएँ। अगर कोई रुपया 2 रुपया कोई ऊपर नीचे कोई कम देता है, कोई गरीब आदमी होता है, उसके साथ कोऑपरेट करें। और दूसरा जो है मेरा मेन मुद्दा ये है कि हम भी स्टूडेंट रहे, हमारी स्टूडेंट हालत में क्या थी वो हम बेहतर जानते हैं। आज के जो बच्चे हैं घर से
₹50-100 घर से मांग कर, पड़ोसी से मांग कर वो स्कूल में आते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाइयों से कि हम आपकी सरबराई इंशाल्लाह सच्चे दिल से करेंगे, और आपने क्या करना है, स्टूडेंट जो हमारे भाई या बहनें आती हैं उनमें से आप 50% मार्जिन जो है आप उनको कम करें, और अगर 30 रुपये किराया है आप उनसे 15 लें या 20 लें, ताकि वो भी मुतमियन होकर घर में खुश होकर जाएं कि हमारे भाइयों ने हमारे साथ अच्छा सलूक किया है। आवाम के लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर 10 सवारियां गाड़ी में बैठती हैं, आप 10 में से 11 जो है वो आप मत बैठें। क्यों कि यहाँ पर हमें बार बार जो है हमें ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये बातें सुननी पड़ती हैं कि आपकी गाड़ी में 14 सवारियां, 10 सवारियां और छत में सवारियां जो बैठती हैं, हम उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने कहा हुआ है कि अगर मेरी पैसेंजर बहन और भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, जितनी गाड़ी में सवारियां बैठती हैं उतनी सवारियां बैठें, उससे ज़्यादा आप सवारियां ज़्यादा ओवरलोडिंग में मत बैठें। अगर गाड़ी कोई एक्सीडेंट हो गई तो वो जिम्मेवार सवारी जो है वो भी ज़िम्मेवार होगी, और वो जो ड्राइवर है बिठाने वाला वो भी ज़िम्मेवार होगा। मेरा ये मैसेज है आपकी तरफ से। ये आपने साफ तौर पर सुना कि टाटा सुमो प्रेसिडेंट के जो थे कफील खान, उनका भी क्या कहना है, एआरटीओ पुंछ को भी आपने सुना क्या कहना है। अब बात ये है कि मैं मेंडर की जितनी भी आवाम है या जहां कहीं भी हमारी इस रिपोर्ट को जो लोग देख रहे हैं, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अवेयर हों, आप लोग भी मतलब कि आप लोगों का भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि ओवरलोडिंग को अगर आप जानबूझकर अगर आप भी बैठोगे तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो वायलेशन है, वो गलत है। अगर आपसे ज़्यादा किराया अगर कोई वसूलता है तो आप कंसर्न अथॉरिटी को कंप्लेन करें। अगर आपसे कोई अगर कोई ओवरलोडिंग करता है या जानबूझकर आपको बिठाता है, आप उसकी भी कंप्लेन कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप जानबूझकर अगर वहाँ पर जितनी पास हैं उस टाटा सोमो या पैसेंजर गाड़ी के अंदर, उससे ज्यादा अगर आप लोग अगर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी भी मिस्टेक। कहा कि अगर कोई वायलेशन करेगा, अगर कोई ज्यादा सवारियां कोई बिठाएगा या कोई ओवरलोडिंग करता हुआ पकड़ा गया या कोई पाएगा, उसका रिस्पॉन्सिबल वो ड्राइवर खुद होगा, जो साफ तौर पर इन्होंने कफील खान ने कहा है। और इसके साथ एआरटीओ पुंछ ने भी लोगों को क्लियर मैसेज दिया है कि आप लोग भी अवेयर हो, आप लोग भी मतलब कि अगर आपसे कोई ज्यादा किराया जो किराया आपका बनता है आप लोगों को किराया देना है, ना कि आप लोगों से जो कोई अगर मनचाहा किराया मांगता है वो आपको देना है। अगर कोई आपसे इस तरीके की कोई अगर करता है तो आप लोग सीधा कंसर्न अथॉरिटी से जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। साथ ही मैं आखिर में एक चीज और जो है, हमारे मेंडर की जो ट्रैफिक पुलिस है, जिन ट्रैफिक कर्मियों को यहां पर तैनात किया गया है, वो चाहे एसओ मेंडर हो या उनके साथी हो या हमारे पुलिस के जो कर्मी हैं जो ड्यूटी जो है अपनी देते हैं, उनको भी साफ तौर पर एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोग भी जागिएगा, आप लोग जो सोए हुए हैं आप लोग भी जागिएगा। और कहीं ना कहीं आपने इसलिए जो है ये ड्यूटी ज्वाइन की थी ताकि आप आवाम की खिदमत कर सके। हम ये नहीं कहते कि सारा कसूर ड्राइवरों का ही हो सकता है। अगर कोई भी वायलेटर, चाहे वो ड्राइवर हो या कोई आम नागरिक हो, जो वायलेशन करता है या इस तरीके का अगर कुछ पाया जाता है, तो आप लोग भी उस पर आंखों देखे जो है वो आंखें मूंद ना लें, अपनी आंखें खोलें। अगर कोई इस तरीके का वायलेटर पाया जाता है तो आप भी उस पर लीगल एक्शन जरूर करें, क्योंकि एआरटीओ ने साफ तौर पर ये स्पष्ट किया है, ये क्लियर करके बताया है कि जो लोग वायलेशन करते हैं उनके साथ हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है, आप लोग सीधा जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का भी ये पूरा फर्ज बनता है कि ये इस चीज़ को निगरानी रखना, क्योंकि आप लोगों के सामने सारे ड्राइवर्स जो है सारी गाड़ियाँ निकलती हैं और आप लोगों के सामने ही सब कुछ होता है। और हमने कई बार देखा है, और मैं आपको भी एक और चीज बता देता हूं कि हमारे पास कई ऐसे वीडियो हैं जिनको जो ओवरलोडेड हैं, ओवरलोडिंग गाड़ियां चल रही हैं और ट्रैफिक पुलिस के सामने से वो गाड़ियां निकल रही हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस उन पर कोई एक्शन नहीं कर रही। और क्योंकि काफी देर से लोगों की डिमांड थी कि इस पर कोई स्पष्ट रूप से जो है एक क्लैरिटी आनी चाहिए कि आखिर हम लोगों को कितना किराया देना है और कितने लोगों को गाड़ी में बैठना। हमारे ड्राइवर भाई हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, मेंडर न्यूज डायरी हमेशा हक और सच की आवाज उठाता है,
हम नहीं चाहते कि किसी का कोई नुकसान हो या हम किसी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन खुदा का वास्ता आप लोग जो है जो जेन्युइन जो रेट हैं जो आप अथॉरिटी की तरफ से जो दिए गए हैं या जो मुकर्रर किए हैं आप उन्हीं के तहत ही किराया वसूलें और आप लोग ओवरलोडिंग ना करें, क्योंकि ओवरलोडिंग करने से एक तो आपको अपने जान का खतरा रहेगा और जो पैसेंजर्स गाड़ी में बैठेंगे उनको उनकी जान का खतरा रहेगा। आए दिन आपको पता है कि कितने सड़क हादसे हो रहे हैं, कितने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। और आप देखते रहिए मेंडर न्यूज डायरी और हमारा चैनल जो है वो यूट्यूब पर जाकर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रूटीन में हमारे अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देखते रहिए मेंडर न्यूज डायरी। CBSE एफिलेटेड KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट 1ली से 12वीं तक का दाखिला शुरू, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। 9216504779 KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट।